गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किसी मरीज का अगर वजन कम हो जाता है तो उसके इलाज के लिए हम आज बात करेंगे कि उसका वजन क्यों कम हो रहा है, उसको ठीक कैसे करा जाए, इलाज क्या करें, तो वगैरह वगैरह हम आज सारी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके एंड तक, बिना स्किप करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मतलब तीन तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं इसी बीमारी को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर कि वज़न हमारा कम हो रहा है किस तरीके से ठीक करें। तो एक जो हमारे तीन आते हैं, तो उसमें से एक है कि एक मदर हैं जो कंप्लेंट करती हैं कि हमारा जो स्कूल जाने वाला बच्चा है उसका वेट कम हो रहा है लेकिन उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। और दूसरा जो हमारा केस आता है वो आता है कि एक युवक या युवती जिसका अचानक से लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, जो है जैसे कि शहर बदलने की वजह से या कहीं आने जाने की वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसकी वजह से वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये, और तीसरा होता है किसी व्यक्ति का पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से उसका 10% बॉडी वेट कम हो रहा है, ठीक है। कि मतलब किसी कोई व्यक्ति है उसके कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों के अंदर 10% वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो ये हमारे पास तीन तरीके के पेशेंट आते हैं, जिसमें से जो पहला और दूसरे जो पेशेंट है वो तो एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, वो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से है। दूसरा वो स्कूल वाले जो बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। इसमें तो कोई ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन उसके लिए हम बच्चों को सिरप वगैरह या कुछ खाने पीने की वो देते हैं सलाह कि। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है, जिसमें हमारा 10% बॉडी वेट कम हो रहा है, ये हमारी कुछ दिक्कत हो सकती है कि आखिर हमारा वज़न किस वजह से हमारा कम हो रहा है, इससे कुछ हो सकता है। तो हम बात करने वाले हैं इसी तीसरे टॉपिक के ऊपर, जिसके वज़न हमारा जो कम हो रहा है इसका कारण क्या है। तो हम पेशेंट से पूछते हैं, दो टाइप से पूछते हैं कि आपको भूख लग रही है, या दूसरा हम पूछेंगे कि आपको भूख नहीं लग रही। दोनों में से अगर वो कहता है कि हमें भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है, लेकिन तब भी बॉडी वेट हमारा कम हो रहा है, वज़न हमारा कम हो रहा है, तो इसका जो सिम्टम हो सकते हैं वो डायबिटीज़ हो सकता है, दूसरा हाइपर थायरॉइडिज्म होता है, यानी हमारा थायरॉइड जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, इसमें जो अगर हमारा भूख लग रही है तब। और अगर वो पेशेंट कहता है कि भूख मुझे कम लग रही है, ठीक है, बहुत कम लग रही है भूख, तो ये सिम्टम जो है हमारे टीबी हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है, रीनल फेलियर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके जो ये तीन चार पॉइंट हैं जो अगर भूख ना लगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में कि अगर उसे भूख सही लग रही है तो क्या क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले केस नंबर वन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पॉलीडिप्सिया, ठीक है, यानी ज़्यादा प्यास, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्यास लग सकती है कि तुम्हें ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, ये पूछेंगे हम। दूसरा पॉलीयूरिया तो नहीं है आपको, यानी ज़्यादा पेशाब तो नहीं आ रहा है। पॉलीफेगिया तो नहीं है, यानी ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर उसमें ये वाले सिम्टम पाए जाते हैं तो उस डिसीज़ का नाम जो होगा वो है डायबिटीज़, जिसमें हम फिर टेस्ट कराएंगे हम ब्लड शुगर टेस्ट। अब बात करते हैं हम केस नंबर टू की, तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको टेकीकार्डिया तो नहीं है, यानी तेज़ दिल की धड़कन, ठीक है, हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ हो जाती है वो, या ट्रेमर तो नहीं है आपको, या कंपन जो कहते हैं कि कंपन तो नहीं हो रहा है आपको, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिम्टम हमें मिलते हैं तो उसमें जो हमारी ये डिसीज़ जो है वो हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है, यानी थायरॉइड हमारा बढ़ सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसमें हम टेस्ट कराते हैं थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, यानी थायरॉइड का टेस्ट करवाते हैं। और बात करें हम केस नंबर तीन की, तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि रिकरेंट लूज मोशन तो नहीं हो रहा,
ठीक है, रिकरेंट लूज मोशन यानी बार बार दस्त होते हैं किसी में, कि तुम्हें बार बार दस्त तो नहीं हो रहे हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो यानी पेट खराब हो रहा हो, तो ये तो नहीं हो रहा। अगर वो कहता है हाँ ये हो रहा है, तो उसको डिसीज हो जाती है माइल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की। ठीक है, उसमें जो हम इसमें फिर हम टेस्ट करवाएंगे स्टूम एग्जामिनेशन वाला, ठीक है, यानी मल परीक्षण, मल वाला जो हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो करवाने पड़ेगा हमें। तो हमने बात करी ये अगर उसे भूख लग रही है तब, ठीक है, अगर भूख लग रही है और ये वाले हम पूछेंगे तो ये तब के लिए। अब बात करते हैं अगर उसे भूख ही नहीं लग रही, बहुत यानी बहुत कम भूख लग रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें केस नंबर वन होगा जो हम उससे पूछेंगे कि आपको प्रोलोंग्ड कफ तो नहीं है, यानी लंबे समय से खांसी तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, ठीक है, या सर्वाइकल लिम्फ नोड तो नहीं है हमारे, यानी गले के जो लिम्फ नोड हैं उसमें सूजन वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है, इसके बारे में हम मालूम करेंगे। अगर वो इसका जवाब हाँ में देता है तो देखो उसका जो डिसीज़ है वो टीबी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हम जिसे कहते हैं, टीबी हो सकती है, जिसका हम टेस्ट कराएंगे, फिर उसमें चेस्ट एक्सरे कराएंगे और इसमें हम ESR भी कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले उसकी, तो केस नंबर टू इसके हम बात करते हैं। हम उससे पूछेंगे आप कि आपको हीमोपटाइसिस तो नहीं है, या हीमैप्टेमेसिस, या ब्लीडिंग गम तो नहीं है, हमारे खांसते समय खून तो नहीं आता है, ठीक है, यानी खांस रहे हैं हम खांसते हुए हमारे मुंह से खून आता है, या खून की उल्टी होती हैं, या मसूड़े की से सूजन, ठीक है, मसूड़ों में सूजन से हो जाती है, ठीक है, उससे, तो इसका जो हमारा डिसीज़ जो है वो हमारी कैंसर हो सकती है। इसका टेस्ट वगैरह तो ज़्यादा कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं करता, इसे हम जो है स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं मरीज़ को, वहाँ के जाने के लिए सलाह दे देते हैं कि आप वहाँ जाके उनसे मिल लीजिए। बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसका खाने में मन ना लगना, ठीक है, उसका खाने वगैरह में मन नहीं लगता। दूसरा है डिप्रेशन मूड, डिप्रेस्ड मूड यानी उस वक्त तनाव में हो, ठीक है। तीसरा जो है इंसोमनिया, इंसोमनिया यानी नींद ना आ रहा हो, उसे नींद ना आने की। तो हम ये तीन चीज़ पूछेंगे कि आपको ये चीज़ है या नहीं है, वो अगर हाँ में जवाब देता है तो इसे सेवर डिप्रेशन हो सकता है, यानी तनाव की परेशानी हो सकती है। और हमारा जो लास्ट हो सकता है, लास्ट जो हमारा केस है, केस नंबर फोर है, तो कई बार किडनी ख़राब हो जाने पर भी लक्षण देखने को नहीं मिलते। अगर हमारी किडनी ख़राब है तो उसमें हमारे लक्षण देखने को नहीं मिलते, लेकिन उसे भूख भी नहीं लगती, ठीक है, भूख भी नहीं लगती, इसलिए हमारा बॉडी वेट कम होता रहता है। तो जिसमें हम टेस्ट करवाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं और ब्लड यूरिया का हम टेस्ट करा के देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट चलाते हैं सारा। तो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी या इसमें क्या दिक्कत है, तो हमें कमेंट में बताइए कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तो बने रहिए।